में नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे इस बारे में सवाल पूछ चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। देखिए, आज नवरात्र चल रहे हैं, हम और आप रोज़ दिया बत्ती अपने घर में करते हैं। वैसे भी हम रोज़ घर में दिया बत्ती करते हैं और ये दीपक घी का हो सकता है, सरसों के तेल का हो सकता है, तिल के तेल का हो सकता है। जब हम दीपक करते हैं तो कभी आपने उस दीपक को गौर से देखा है जो आपके घर में आपने प्रज्वलित किया है माता रानी के सामने या आपके इष्ट के सामने? अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो उस दीपक के ऊपर एक फूल बना हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको मेरे घर का दीपक यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये अभी पूजा ख़त्म हुई, जब दीपक शांत हुआ तो फिर मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बनाऊं। तो ये देखिए, बहुत नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें एक फूल बना है। ये अलग अलग आकृतियों का फूल बनता है। आज तो मुझे ये जो है गुड़हल का फूल के जैसे दिख रहा है। मुझे कभी बहुत बार मेरे दीपक में लौंग का भी रूप बन जाता है, इसमें लौंग दिखाई देता है, क्योंकि मैं माता रानी की भक्त हूँ, ऐसे कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। और बहुत बार गुलाब का फूल मुझे इसमें नज़र आता है। आज मुझे ये गुड़हल के फूल जैसा आकृति नज़र आ रही है, आप भी इसे गौर से देख सकते हैं। मैं काफ़ी पास में लेकर आई हूँ तो आज ये फूल बना है, आज ये मुझे गुड़हल का फूल जैसा दिख रहा है। तो ये फूल बनने का अर्थ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़? अगर आपके भी दीपक में ऐसा फूल बन रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके जो इष्ट है या जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए आपने ये पूजा की है, ये पूजा स्वयं उन्होंने स्वीकार की है और वो बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। इस तरह का संदेश ये फूल देता है। बहुत बार ये फूल रोज़ ही बनता है उन भक्तों के घर जो सच्चे दिल से बिना निष्काम भावना के जो पूजा करते हैं, उनके घर में रोज़ ही बनता है ये फूल। और कभी कभी रोज़ नहीं भी बनता है, दो दिन बनता है, फिर बीच में गैप आ जाता है, फिर दो दिन बाद बनता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जिसके घर में रोज़ बन रहा है, सच मानिए कि आपके इष्ट की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो ये इसका संकेत है कि आपकी पूजा आपके भगवान द्वारा स्वीकार की जा रही है या वो बहुत प्रसन्न है, वो अपने आप को ये प्रत्यक्ष रूप में दर्शा रहे हैं इस दीपक के फूल के माध्यम से। दूसरी चीज़, अब बहुत से लोगों को ये तो पता है कि ये जो फूल बनता है तो इसका जो अभी मैंने बताया वो कारण है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इस फूल को कैसे अपने जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भगवान का आशीर्वाद है जो साक्षात रूप में हमें मिल रहा है। तो इस भगवान के आशीर्वाद को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप इस तरह की एक कांच की बरनी ले लीजिए, उसमें सारा फूल जो रोज आपका बनता है, अगर रोज बनता है या जब भी बन रहा है, आप ऐसे एक बरनी में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें घी मिला सकते हैं या तिल का तेल मिला सकते हैं या सरसों का तेल, जिस भी वस्तु से आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वही वस्तु को आप उसमें डाल के इसका तिलक बना लीजिए और इसको रोज अपने माथे पर धारण कीजिए। जी हाँ, इसका क्या फायदा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इससे आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको विजय प्राप्त होगी और ये साक्षात आपके इष्ट का आशीर्वाद है। ये हमेशा आपके साथ, आपके मस्तक पे आपके साथ चलेगा। तो इस तरह से आप इस दीपक के बने हुए फूल का, तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आपके अंदर एक आकर्षण पैदा करता है। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, लोग आपके बातों में विश्वास करेंगे, आप जो भी कह रहे हैं वो उसको मानेंगे और वो आपके हर आपका जो काम है, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आपके काम बनते चले जाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आकर्षण, एक वशीकरण जिसे मैं कह सकती हूँ। ये वशीकरण वो नहीं है जो लोग जो कहते हैं, ये इस तरह का नहीं है। ये वशीकरण ये होता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं।
तो अगर आपके भी घर में दीपक के ऊपर फूल बन रहा है तो उसका इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए आपसे मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। आत्म नमस्ते।